वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल कॉन्सेप्ट माइंड आर्किटेक्ट। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 45x46 यानी कि 45x46 फीट का हाउस प्लानिंग और ईस्ट फेस हाउस है। दोस्तों, तीन बेडरूम हॉल किचन 45x46। अगर आपको भी कोई अलग तरीके का प्लॉट है, 22x45 फीट है या 25x50 फीट का प्लॉट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको कितना बेडरूम हॉल किचन का रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आज हम दिखेंगे 45x46 फीट का जो ये नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग का हाउस है। दोस्तों, ये हाउस पूरा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो क्लाइंट था उसका पूरा रिक्वायरमेंट एज पर वास्तु था। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि ये रोड है, तो रोड की बाजू यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है। तो दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन में इसका जो साइज है यहां से लेकर यहां तक 45 फीट है। और दोस्तों, इसका जो डेप्थ है प्लॉट का, ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 46 फीट है। दोस्तों, द टोटली प्लानिंग एज पर द वास्तु, जैसे कि ये ईशान कोना है, ये अग्नि कोना है, ये नैऋत्य ईशान अग्नि नैऋत्य और दिस वन इज वायव्य। ईशान कोना में भगवान होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। अग्नि कोने में गेस्ट रूम भी हो सकता है, स्टेयर हो सकता है, किचन भी हो सकता है जो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। नैऋत्य में टॉयलेट वगैरह सेट करना चाहिए, वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। वायव्य में बेडरूम वगैरह सेट करना चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। और एज पर वास्तु जो लिविंग रूम रहता है, यानी कि सेंट्रल रूम गेस्ट के लिए सेंटर में होना चाहिए, उसको हमने सेंटर में सेट किया हुआ है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ से एंटर होते ही पूरा ये पार्किंग जैसा एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर स्टेयर दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे लिविंग रूम यहाँ पे सेंटर में है, और ड्राइंग रूम यानी कि जो एंट्री में है वो, तो अब पहले हम देखेंगे ड्राइंग रूम। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एंटर होते हैं तो ड्राइंग रूम का साइज है 15x12 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 15 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 12 फीट है। दोस्तों, ड्राइंग रूम में कॉर्नर मिल रहा है, तो दोनों बाजू में यहाँ पे विंडो सेट किया हुआ है। अगर आपको इसका फर्नीचर का भी लेआउट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको फर्नीचर का लेआउट भी प्रोवाइड कर सकूँ। दोस्तों, ड्राइंग रूम में से भी यहाँ पे बैक साइड जा सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट से भी यहाँ पे बैक साइड जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बैक में आएंगे तो यहाँ पे पूरा सेंटर में सेट किया हुआ है लिविंग और डाइनिंग, जिसका साइज है 19x18.5 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 19 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 18.5 फीट है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे लिविंग और डाइनिंग को अटैच किया हुआ है किचन के साथ में। तो यहाँ पे जो दोस्तों किचन है, जो किचन का साइज है 11x11, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है। दोस्तों, किचन का प्लेटफॉर्म को यहाँ पे सेट करेंगे तो उसको विंडो का भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये विंडो सेट किया हुआ है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पूजा रूम, जो पूजा रूम को सेट किया हुआ है ईशान कोने में। दोस्तों, यहाँ पे जो पूजा रूम है उसका साइज है 6x4.9 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 6 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4x9 इंच है। अभी दोस्तों, हम बात करेंगे बेडरूम की। जैसे कि यहाँ पे 4 बेडरूम सेट किया हुआ है, फर्स्ट बेडरूम इज हियर, जिसका जो साइज है 12x13, ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 12 फीट है और ये वॉल से ये वॉल तक 13 फीट है। दोस्तों, बेडरूम को वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी पूरा विंडो दिया हुआ है 6x6 फीट का नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी दोस्तों, हम दूसरे बेडरूम की बात करेंगे, तो दूसरे बेडरूम का जो साइज है वो भी 12x13 का है, बट दोस्तों ये बेडरूम कॉर्नर में है तो उसको 2 विंडो मिल रहा है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट है, तो उसको 2 विंडो है, वन इज हियर एंड अदर वन इज हियर। अभी दोस्तों, हम बात करेंगे कॉमन टॉयलेट, जो कॉमन टॉयलेट को पूरे हाउस को टच मिले, यानी कि इंटरकनेक्शन हो जाए, उस तरह से कॉमन टॉयलेट को सेट किया हुआ है 6x6.3x7 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 6x3 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट है। अभी दोस्तों, हम बेडरूम की बात करेंगे, जो बेडरूम का साइज है 12x13, दिस इज थर्ड वन बेडरूम एंड दिस इज अ मास्टर बेडरूम, तो इसमें अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और ये बैक वॉल से ये वॉल तक 13 फीट है।
दोस्तों यहाँ पे ये अटैच टॉयलेट है और 5.5x7 फीट का है, उसको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है जो आप देख सकते हो। अभी दोस्तों हम बात करेंगे दूसरा बेडरूम, फोर्थ बेडरूम। दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ बेडरूम है वो भी मास्टर है 11x13 का, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है और ये वॉल से ये वॉल तक 13 फीट है। दोस्तों ये बेडरूम में यहाँ पे ये पूरा विंडो सेट किया हुआ है। अभी दोस्तों ये बेडरूम में हम बात करेंगे अटैच टॉयलेट, जो अटैच टॉयलेट का साइज है दोस्तों 5x5.7 फीट का। तो दोस्तों यही था 45x46 फीट का हाउस प्लानिंग, जिसके अंदर 4 बेडरूम, हॉल, किचन एंड 1 ड्राइंग रूम एज पर द वास्तु। अगर दोस्तों आपको पूरा और भी वास्तु का नॉलेज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर दोस्तों कोई अलग तरीके से भी प्लानिंग करवाना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आपका प्लॉट का साइज और आपको कितना हॉल, बेडरूम, किचन का रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।